प्राचीन समय से प्रेम विवाह होता आ रहा है, लेकिन आज के समय में जब अनेक परंपराओं को दरकिनार करते हुए प्रेम विवाह करते हैं तो समाज में उतना तिरस्कार क्यों झेलना पड़ता है? वर पक्ष या समाज स्वीकार क्यों नहीं करता? दहेज और सत्ता के मद में लोभित लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ कहने वालों ने एक निरही लड़की का जीना दुश्वार क्यों कर दिया? अलका कुमारी और अभिषेक मिश्रा ने प्रेम विवाह कर लिया, लेकिन कुछ दिनों में जब सच्चाई का भान अलका को हुआ तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। साठी थाना की पुलिस को दिए आवेदन में अलका कुमारी ने क्या बताया, आप खुद सुनिए। क्या मामला है मैडम? मैं अपने ही गांव के एक अभिषेक मिश्रा नाम का लड़का से शादी की थी। उसके पिता का नाम श्री रूपेश मिश्रा है। 6 महीने पहले मैं शादी की थी 2 अक्टूबर 2020 को, और हम दोनों पटना में ही रह रहे थे साथ में। फिर वहां से वो मुझे भोपाल लेके गया, मेरा वहां ऑपरेशन कराया। हम दोनों खुशी राजी रह रहे थे। फिर हम 17 दिसंबर की रात हम गाँव पे आए अपने ससुराल, जहाँ पे साठी थाना को भी बुलाया गया। जब मुझे घर में नहीं घुसने दिया, लोग मारपीट के मुझे निकाल दिया लोग वहां से। फिर उसके बाद मैं अपने पति अभिषेक मिश्रा के साथ वापस पटना चली गई। फिर दोबारा से फोन करके हम दोनों को बुलाया गया। उनके मामा बोले कि तुम लोग आओ, हम लोग एक विधि विधान से पार्टी वार्टी कर देते हैं, फिर हम तुम लोग घर में साथ में रहना। फिर जब वो हम दोनों घर पे यहाँ पे आए तो उसके बाद फिर हम लोग को निकाल दिया गया। अब मेरे फादर इन लॉ निकाल दिए, मेरे चाचा ससुर थे, मेरी ससुराल के सारे। आपका फादर इन लॉ का नाम क्या हुआ? श्री रूपेश मिश्रा हुआ, और चाचा ससुर का नाम श्री नीलेश मिश्रा हुआ। कहाँ गए ये लोग? परोरहा के हैं, साठी थाना। और उसके बाद फिर हम दोनों नगरियागंज में ही रहने लगे साथ में, हरदिया चौक पे लक्ष्मण शर्मा के मकान में हम लोग किराया से लेके रहते थे। उसके बाद फिर वो अभिषेक को किसी बहाने से बुला लिया लोग, हम और अलग कर दिया लोग मेरे से। उसके बाद मकान मालिक भी मेरे से मकान खाली करवा दिया। फिर मैं 3 मार्च को जब उनके दरवाजे पे गई कि मुझे रहना है मेरे पति के साथ, तो फिर उन लोगों ने भी मेरे साथ मारपीट किया। विशेषकर उनके चाचा नीलेश मिश्रा मेरे साथ मारपीट किए। और मेरा जब प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखे तो मेरा बच्चा बर्बाद करने की नीयत से मुझे इस तरीके से मारे कि नेक्स्ट मंथ मेरा बच्चा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं लास्टली जाके मतलब बहुत मैं चक्कर लगाई थाने में। फिर एसपी सर के यहाँ भी गई थी जनता दरबार में, तो उन्होंने फोन करके बोला कि इसका एफआईआर कर लिया जाए। लेकिन थाने पर जब मैं आई तो एफआईआर किया गया। बहुत निवेदन करने के बाद एफआईआर कर लिया गया। मेरे जो दरोगा जी हैं वो हैं उदय कुमार जी, तो वो कर लिए। उसके बाद फिर से हमको ऐसा लगता है कि मतलब 2.5 महीने हो रहे हैं मेरे केस किए हुए, लेकिन अभी तक कोई मतलब उचित कार्रवाई जो होता है वो नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि डीएसपी सर सुपरविजन करने गए थे, उसमें सारा मैटर सत्य पाया गया, लेकिन कोई उस पर उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा लेके और मेरे केस को लिपापोती किया जा रहा है। इसमें मतलब ये साड़ी के थाना अध्यक्ष है, उनके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एफआईआर पे कोई संज्ञान नहीं लिया? नहीं, कोई कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं रोज फोन करती हूँ, प्रतिदिन मैं अपने आईओ लाल बहादुर सर के पास मैं कॉल करती हूँ, तो वहाँ से यही होता है कि अभी कहीं पे मर्डर हुई है, हम लोग उसी केस में फंसे हैं। पहले उसको देखे कि पहले तुम्हारे केस को देखे। पति का नाम क्या हुआ? मेरे पति का नाम श्री अभिषेक मिश्रा, परोरहा के रहने वाले। मेरा नाम अलका मिश्रा हुआ, मैं भी उसी गांव की रहने वाली हूँ, परोरहा की रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज़।